एमएसपी की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन लगातार पिछले 8 दिनों से जारी है। किसानों की ये मांग जो है पिछले एक साल से है, यानी कि एक साल पहले भी वो एमएसपी को लेकर मांग कर रहे थे। किसानों को स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पर एमएसपी दी जाए, इसको लेकर भी किसान मांग कर रहे हैं। अब किसानों की मांग को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सियासी दांव चल दिया है। खड़गे ने ये दावा कर दिया है कि अगर 24 में उनकी सरकार केंद्र में आती है तो कांग्रेस किसानों को हर मांग, यानी किसानों की जो हर मांग है उसे पूरा करेगी। तो आखिर किसानों की क्या मांगे हैं और सरकार और किसानों के बीच किन किन मांगों को लेकर सहमति बन चुकी है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। चौबीस के चुनाव की रणभेरी, किसानों से बात बनने में किस बात की देरी, खड़गे ने दे दी एमएसपी की गारंटी। 24 के चुनाव में दे पाएंगे बीजेपी को चुनौती। 24 के चुनाव की रणभेरी बच गई है, सभी दलों ने अपनी अपनी रणनीति का खाका खींचना शुरू कर दिया है। हर दल हर किसी के दिल में जगह बनाने की हर वो जुगत कर रहे हैं कि 24 में बात बन जाए, सत्ता सुख का बस स्वाद मिल जाए। हर दल के अपने अपने दांव हैं। दिल्ली पहुंचने के लिए जनता के विश्वास पर मुहर कैसे लगे, इसके लिए सबके अपने अपने प्लान हैं। ये तो हुई चुनाव की तैयारी की बात, लेकिन अगर दिल्ली के तख्त पर काबिज होना है तो फिर किसानों को अपने पाले में लाना होगा, क्योंकि एक बार फिर से किसान लगभग एक साल बाद सड़क पर उतर गए हैं और किसानों का भी एक ही नारा है, दिल्ली चलो। अब किसानों का प्रदर्शन कांग्रेस को एक मौका लग रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किसानों को अपने पाले में लाने के लिए एक गारंटी दे दी है, लेकिन बदले में डिमांड भी रख दी है कि अगर उनकी सरकार बनी तो फिर किसानों की हर वो मांग पूरी की जाएगी जिसके लिए वो सड़कों पर बैठे हैं। अब मल्लिकार्जुन खड़गे को भी पता है कि अगर बीजेपी को चुनाव में चुनौती देना है तो फिर किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरना होगा। उसके लिए तो हम लोग उनका साथ दे रहे हैं और हम खुल के बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट उनके जो डिमांड्स है, रीजनेबल डिमांड्स, उसको मानना चाहिए। और हम खुद भी हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी ये कहने वाले हैं कि एमएसपी ये लीगल गारंटी करना चाहिए। सभी क्रॉप्स को नहीं कर सकते, लेकिन जो एसेंशियल कमोडिटीज है वो उसको हम कर सकते हैं। ये हमारा मुद्दा है, हम ऑलरेडी फर्स्ट इसमें हमने घोषणा की है। अभी चंडीगढ़ का मेयर पोल्स का जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, अरे ये तो उनकी पोल खुल गई और उन्होंने ये जो खेल खेला एक ऑफिसर को पकड़ के, ये कंडेमेबल है। डेमोक्रेसी में ऑफिसर को लगा के आप जिताते हो, अगर यही करते हो तो इंडिया में कितने जगह एमपी इलेक्शन और एमएलए इलेक्शन में आप किए होंगे, इससे ही अंदाजा लग। दूसरी तरफ बीजेपी भी किसानों की मांगों पर विचार कर रही है। किसानों से बातचीत का दौर जारी है। आखिर किसानों की कौन कौन सी मांगे हैं, पहले आपको ये बताते हैं। सभी फसलों की खरीद के लिए एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाए। डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से फसलों की कीमत तय की जाए। सभी फसलों के उत्पादन की औसत लागत से 50% ज्यादा एमएसपी मिले। किसान और खेत में काम करने वाले मजदूरों का कर्जा माफ किया जाए। किसानों को प्रदूषण कानून से बाहर रखा जाए। 60 साल से ज्यादा उम्र के किसानों को 10,000 रुपए पेंशन दी जाए। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 दोबारा लागू किया जाए। लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों को सजा दी जाए। मुक्त व्यवहार समझौतों पर रोक लगाई जाए। विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए। मनरेगा में हर साल 200 दिन का काम और 700 रुपए मजदूरी दी जाए। किसान आंदोलन में मृत किसानों के परिवारों को मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जाए। समझौते के अनुसार घायलों को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। दिल्ली मोर्चा सहित देश भर में सभी आंदोलनों के दौरान दर्ज हुए मुकदमे रद्द किए जाएं। नकली बीज, कीटनाशक दवाइयां और खाद वाली कंपनियों पर कड़ा कानून बनाया जाए। फसल बीमा सरकार खुद करे। मिर्च, हल्दी और अन्य मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाए।
संविधान की 5वीं सूची को लागू कर आदिवासियों की जमीन की लूट बंद की जाए। ये तो हुई किसानों की मांगे, अब आपको बताते हैं कि किसानों की किन किन मांगों पर सहमति बनी है। 18 फरवरी को किसानों के साथ बातचीत हुई। केंद्र सरकार ने 5 फसलों पर एमएसपी देने का प्रस्ताव दिया। इस प्रस्ताव के तहत किसानों को सरकारी एजेंसियों के साथ 5 साल का करार करना था। किसानों को दिए गए प्रस्ताव के बारे में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने क्या कुछ कहा है, पहले जरा ये सुनिए। जो किसान अपना क्रॉप डाइवर्सिफाई करके या तो तूर दाल बनाए, उड़द दाल बनाए, मसूर की दाल बनाए या मक्का बनाए, उनको 5 साल के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट करके NCCF और NAFED गारंटी करेगा। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसी प्रकार का एक 5 साल का करार करेगी, लीगल एग्रीमेंट करेगी और 5 साल तक जो भी उत्पादन इन खेतों से आएगा डाइवर्सिफिकेशन करने के माध्यम से या पुनर्जीवित करके कॉटन के खेतों से, उसको 5 साल के लिए MSP पर, जो CACP द्वारा निर्धारित MSP होता है, उस पर खरीदने का एक प्रस्ताव सामने आया है। मतलब साफ है कि केंद्र सरकार भी चाहती है कि किसानों की जो मुख्य मांगे हैं उनको पूरा किया जाए। किसानों को एक समझौते का प्रस्ताव, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 5 साल तक दालें, मक्का और कपास खरीदेगी सरकार। तुअर दाल, उड़द, मसूर दाल या मक्का उगाने वाले किसानों के साथ समझौता, फिर उन अगले 5 साल तक MSP पर फसलें खरीदी जाएंगी। किसानों से 5 साल तक MSP पर कपास की खरीद की जाएगी। खरीद की मात्रा की कोई सीमा नहीं होगी। इसके लिए एक पोर्टल तैयार किया जाएगा। केंद्र सरकार का कहना है कि हम किसानों के साथ लगातार बात कर रहे हैं और किसानों से बात करके ही हल निकालने का प्रयास किया जा रहा है। जाहिर है कि बातचीत का दौर चल रहा है। अन्नदाता किसान अभी भी शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। ऐसे में देखना होगा कि आखिर सरकार और किसानों के बीच क्या कुछ समझौता होता है। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर जिस MSP को लेकर बवाल मचा हुआ है वो क्या है और इसके लिए किसान लगातार क्यों मांग कर रहे हैं, वहीं इसके लागू होने से किसानों को क्या फायदा होगा, साथ ही सरकार को इससे क्या नुकसान होने वाला है। MSP का मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य, MSP किसानों की फसल की गारंटेड कीमत। सरकार किसानों को 23 फसलों पर देती है MSP, धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंग, मूंगफली, सोयाबीन, तिल और कपास जैसी फसलें शामिल हैं। बाजार में फसलों की कीमतों में ना हो उतार चढ़ाव, फसल की कीमत के असर को कम करने की कोशिश, किसानों को अपनी फसल की न्यूनतम कीमत मिलती रहे। MSP का सबसे ज्यादा फायदा पंजाब और हरियाणा को मिलता, 6% किसानों को ही मिलता है MSP का फायदा। इसके बाद अब आपको बताते हैं कि स्वामीनाथन समिति कब बनी और इस आयोग से कृषि को रोजगार परक बनाने के लिए क्या क्या सुझाव दिए, जिसको लागू करने के लिए आज तक लगातार किसान संघर्ष कर रहे हैं। SM स्वामीनाथन की अध्यक्षता में 18 नवंबर 2004 को बना राष्ट्रीय किसान आयोग, साल 2004 से 2006 के बीच बनी रिपोर्ट में जमीन बंटवारे को लेकर चिंता जताई, बेकार पड़ी और अतिरिक्त जमीनों की सीलिंग और बंटवारे की सिफारिश, खेतिहर किसानों का गैर कृषि इस्तेमाल पर जताई चिंता, सिंचाई व्यवस्था को लेकर भी आयोग ने जताई चिंता, पानी की सप्लाई और वर्षा जल के संचय पर भी जोर, कृषि में सुधार के लिए एक समग्र प्रयत्न की जरूरत, फसल भंडारण और किसान के स्वास्थ्य को लेकर व्यवस्थाएं की जाएं, किसानों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने की सिफारिश, MSP उत्पादन की औसत लागत से कम 50% ज्यादा हो, इस फॉर्मूला को C2+50% के रूप में भी जाना जाता है। NCF ने देश के संविधान की समवर्ती सूची में कृषि को जोड़ने का आह्वान,
फसल ऋण की दर को घटाकर 4% सरल करने की सिफारिश, एक ग्रामीण बीमा विकास कोष के निर्माण की सिफारिश की। किसान लगातार एमएसपी को कानूनी दर्जा की मांग कर रहे हैं, साथ ही पूरे देश के किसानों की कर्ज माफी की भी मांग हो रही है। वहीं किसानों से बात करने के लिए केंद्र सरकार ने एक कमेटी बनाई है जो किसानों से बातचीत कर मामले का हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑन इंडिया।